हिंदू हृदय सम्राटर आगिरतक्कंत उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा अवरन्न हार्दिकवागि स्वागतिसुत्तेवे। उत्तर प्रदेश आतंकवादिगळिगे आतंकवन्नु सृष्टिमाडि भयोत्पादनेय निग्रहवन्नु माडि ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿಯವರು, ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾರತ ವಿಕಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, 15 ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ 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 ಬಜರಂಗಬಲಿ ಜಯ ಬಜರಂಗಬಲಿ। ಬಿಜೆಪಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ನಾಯಕ, कुमटा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी से कैंडिडेट श्री दिनेश सेट्टी दिनकर सेट्टी, भटकल क्षेत्र दा एला बंधु भगनेरिगे नन्ना नमस्कार गडो। भाइयो बहनो, प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश से मैं आज जी की पावन भूमि पर कर्नाटका में आकर के आप सबका हृदय से वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का यह संबंध आज से नहीं हजारों वर्षों का है। प्रभु श्री राम को उनके वनवास के समय सबसे ज्यादा प्रश्रय और सबसे ज्यादा सहयोग कहीं प्राप्त हुआ था तो कर्नाटक की भूमि है, और इसलिए कर्नाटक की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग कर्नाटक की भूमि को, जो कर्नाटक आज भारत के विकास में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, यहां पर समरप्पा जी के नेतृत्व में, बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक का गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ मिलकर के आज भारत के विकास की यात्रा का एक अभिन्न भाग बना हुआ है। परिणाम है आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
भारत की इस ताकत को जो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। वही लोग आज कर्नाटक में आकर के एक और पीएफआई और आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स को प्रश्रय देने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर बजरंग दल जैसे सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठनों को बैन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का मतलब पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय देना है और हम लोग भारत की धरती को आईएसआईएस या पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। जैसे भारत ने अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, उत्तर प्रदेश ने आतंकवाद अपराध और माफियाओं की कमर तोड़ी है, ऐसे ही कर्नाटक के अंदर भी पीएफआई और आईएसआईएस की कमर तोड़ दी जाएगी। भाइयों बहनों, विकास की इस प्रक्रिया का पाठ हम सबको बनना पड़ेगा। आज भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। भारत की टीम लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कार्य और इसके साथ ही विरासत का सम्मान, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी पूरा हो चुका है। आंजनाद्री में कर्नाटक की येदुरप्पा और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट ने वहां पर भी श्री हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हनुमान जी का विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी राक्षसी वृत्ति है ये बजरंग बली के सामने धूल दूषित हो जाती है, गायब हो जाती है और कांग्रेस पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय दे करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बजरंग बली को बैन करके वहां यहां पर उनके राजक गतिविधियों का अड्डा बनाएगी। इसे बीजेपी और बजरंग दल का कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें फिर से कर्नाटक के अंदर एक विकासवादी सोच की, राष्ट्रवादी सोच की, यहां के विरासत का सम्मान करने वाली, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 24 में कार्य पूरा होने वाला है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपका आमंत्रण है। भगवान राम का यह सेवक अयोध्या में आपके स्वागत की उत्सुकता से Thank you.